हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयुष एंड यू आर वॉचिंग आर्ट बाय आयुष। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पेन से कोई भी पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैंने पोर्ट्रेट की आउटलाइन ड्रॉ करी है पेंसिल से एंड ग्रिड लाइंस का यूज़ करके। तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि आप कैसे भी किसी पोर्ट्रेट की आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आउटलाइन पेंसिल से ड्रॉ करनी है। देन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आइस से, जैसे कि मैं नॉर्मली अपने सभी पोर्ट्रेट्स में स्टार्ट करता हूँ आइस से। एंड सबसे पहले मैं आइस की आउटलाइन कर रहा हूँ एंड फिर उसके अंदर का पार्ट जो कि पीपल वगैरह होता है मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड गाइज, अब मैं इसमें हैचिंग कर रहा हूँ आइज में। एंड आपको याद रखना है कि आपको पूरा पैन पोर्ट्रेट हैचिंग या क्रॉस हैचिंग से ही ड्रॉ करना है, चाहे वो कोई भी पार्ट हो कि पोर्ट्रेट का आई हो, आईब्रोज हो या हेयर्स वगैरह, जो भी फेस, वो सबको आपको हैचिंग और क्रॉस हैचिंग से ही करना है। एंड गाइज, मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है क्योंकि वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। मुझे इसे कंप्लीट ड्रॉ करने में एक्सक्लूडिंग आउटलाइन 1 आवर 15 मिनट्स के अप्रोक्स टाइम लगा था। एंड गाइज, आईब्रोज में आपको वैसे ही स्ट्रोक्स लगानी है जैसे कि आप पेंसिल से लगाते हैं आईब्रोज की डायरेक्शन में। एंड ये प्रोसेस किसी भी पैन पोर्ट्रेट पे फॉलो करेगा, चाहे आप नॉर्मल जो 2 या 3 रुपये वाला पैन आता है उससे बनाए या ये सकूरा पिक्मा माइक्रोन्स यूज़ करें। एंड गाइस, जैसे कि आपको फोटोग्राफ में दिख रहा होगा कि जहाँ जहाँ डार्क एरिया वहाँ पे मैं हैचिंग कर रहा हूँ पैन से बिल्कुल लाइट प्रेशर से। जहाँ मुझे बाद में और डार्क करना होगा वहाँ मैं दोबारा से क्रॉस हैचिंग या हैचिंग करूँगा डार्क करने के लिए। जैसे मुझे यहाँ थोड़ा डार्क चाहिए था तो मैंने यहाँ पे क्रॉस हैचिंग कर दी थी। एंड गाइस, फोटो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज, याद रहे जहाँ पे आपके फेस में लाइट वाले एरिया, जहाँ पे आप बिल्कुल लाइट पार्ट है वहाँ पे आपको छोड़नी है, वहाँ पे आपको हैचिंग नहीं करनी है। आपको सिर्फ हैचिंग और क्रॉस हैचिंग वहीं करनी है जहाँ पे डार्क एरिया होगा या जहाँ आपको शेडो या डार्क शेड दिख रही है। एंड गाइज, आपको हैचिंग और क्रॉस हैचिंग बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद ही करना है क्योंकि ये पेन है, ये रब तो हो नहीं सकता पेंसिल की तरह। तो आपको बिल्कुल केयरफुली स्ट्रोक्स लगाने हैं हैचिंग और क्रॉस हैचिंग की, जिससे कि आपके पोर्ट्रेट गलत ना हो। सो इसलिए आपकी आउटलाइन परफेक्ट होनी चाहिए पहले ही पोर्ट्रेट की जो कि आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है, जिससे कि पोर्ट्रेट बनने के बाद आपका वो रियलिस्टिक लुक आ सके कि आपने किसका पोर्ट्रेट ड्रॉ करा है। गाइज, आप हैचिंग और क्रॉस हैचिंग किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। इसका कोई परमानेंट रूल नहीं है कि आपको कोई वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली करनी है, जैसा आपके हैंड में मूवमेंट है आप वैसे क्रॉस हैचिंग या हैचिंग कर सकते हैं। एंड गाइज, लिप्स पे भी अब मैं सिर्फ हैचिंग कर रहा हूँ।
जो जो मुझे लिप्स में डार्क एरिया लग रहे थे मैंने वहाँ पे स्ट्रोक्स लगा दी थी, एंड अब मैं नोज़ के साइड वाला एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ। गाइज बियर्ड मुस्टैच आईब्रोज एंड हेयर्स में तो आपका वही सेम प्रोसेस फॉलो होगा कि जैसे कि आप पेंसिल से हेयर्स और बियर्ड वगैरह ड्रॉ करते हैं। उस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक बियर्ड एंड हेयर्स, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। वैसे जहाँ पे लाइटनिंग ज़्यादा है फेस में, वो एरिया या वो पार्ट आपको छोड़ के चलना है। वहाँ पे भी आप हैचिंग कर सकते हैं, बट आपके पास फिर सकूरा पिग्मा माइक्रोन्स का 005 नंबर का पेन होना चाहिए, जो कि काफ़ी थिन होता है, एंड उससे लाइट हैचिंग और क्रॉस हैचिंग भी होती है। तो आपको अगर लाइट एरिया में भी हैचिंग या क्रॉस हैचिंग करनी है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मली अगर आप 2 या 3 रुपीज़ वाले बॉल पेन से ड्रॉ करेंगे तो उसमें तो आपको एक ही पेन होगा, तो उसमें आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप एक पेन से एक ही टाइप के स्ट्रोक्स लगा पाएंगे। एंड अब गाइज मैं ईयर ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले मैं ईयर की आउटलाइन कर रहा हूँ जो मुझे दिख रही है फोटोग्राफ में। एंड गाइज इस स्केच की मैंने टाइमलेस वीडियो भी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। गाइज पैन पोर्ट्रेट में आप हैचिंग या क्रॉस हैचिंग जब भी स्टार्ट करें जब आपकी आउटलाइन बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि अगर आपकी आउटलाइन गलत होगी तो आप उस पर हैचिंग और क्रॉस हैचिंग भी गलत करेंगे, जिसकी वजह से आपका पोर्ट्रेट खराब हो सकता है, ये रियलिस्टिक लुक नहीं आ पाएगी जो आनी चाहिए। एंड गाइज अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस हैचिंग और क्रॉस हैचिंग पोर्ट्रेट में काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू रियलिस्टिक पेंसिल पोर्ट्रेट से। ये आपको एक स्केचेस की तरह बना सकते हैं। एंड इस मेथड से आप कोई पोर्ट्रेट नहीं, आप कोई लैंडस्केप वगैरह या कोई मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ताजमहल की भी इससे पहले एक ड्रॉ करी थी ड्राइंग हैचिंग और क्रॉस हैचिंग से, उसकी भी टाइम लैप्स वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। या आप इसको स्टिल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस सब में सेम ही रहता है, आपको हैचिंग और क्रॉस हैचिंग ही यूज़ करनी पड़ती है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, फेस ड्रॉ करें या कुछ भी। एंड गाइस अब मैं हेयर स्टार्ट कर लूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे मैं हेयर्स में वही स्टेप फॉलो कर रहा हूँ जो कि मैं अपने पेंसिल स्केचेस में करता हूँ, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने। एंड अभी यहाँ पर मैं क्रॉस हैचिंग भी यूज़ कर रहा हूँ थोड़ी, थोड़ा इस एरिया को डार्क करने के लिए, क्योंकि फोटोग्राफ में थोड़ा डार्क एरिया था। आप हेयर जो है वो क्रॉस हैचिंग से भी ड्रॉ कर सकते हैं, एंड अगर आपको रियलिस्टिक पेंसिल लुक मेथड वाला आता है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगानी, बट उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। सो गाइस अब मैं यहाँ पे क्रॉस हैचिंग यूज़ कर रहा हूँ।
एंड गाइज, अगर आपको हेयर्स में बिल्कुल रियलिस्टिक लुक देना है तो आपको बिल्कुल हेयर के डायरेक्शन में पहले स्टार्टिंग में स्ट्रोक्स लगाने, उसके बाद आप क्रॉस हैचिंग कर यूज़ कर सकते हैं उसको ऊपर से थोड़ा डार्क करने के लिए। गाइज, आप हेयर्स में ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें क्योंकि हेयर्स में ही अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इस क्रॉस हैचिंग ट्रीटमेंट में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम हेयर्स में लगा है। इतना टाइम मुझे आईज या फेस ग्लो करने में नहीं लगा था जितना मुझे हेयर्स में लगा था टाइम। गाइस, मैं बता देता हूँ कि मैं कोई एक ही माइक्रोन पेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग अलग जगह डिफरेंट ग्रेड्स के माइक्रोन यूज़ करता हूँ। इन पेन्स की भी रिव्यू वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड गाइस, पैन पोर्ट्रेट में यही एक प्रो टिप है कि आपको जैसे हेयर्स में ये नीचे वाला पार्ट ड्रॉ करना, तो आप ये जो परमानेंट मार्कर आता है ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छे से इनमें मर्ज भी हो जाता है एंड इससे आपका काफ़ी टाइम भी बचता है, क्योंकि अगर आप पेन से ये एरिया डार्क करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। बट आप इस मार्कर को यूज़ कर सकते हैं एंड उसके ऊपर से पेन दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो ये अच्छे से मर्ज हो जाते हैं एंड पता नहीं चलता कि आपने मार्कर भी यूज़ करा है। सो कहीं अगर आपका एरिया ज़्यादा बड़ा है एंड आपको उसमें ब्लैक ड्रॉ या शेयर करना है, तो आप मार्कर का यूज़ कर सकते हैं, परमानेंट मार्कर का। एंड गाइस, जब मैं कुछ रिटचिंग कर रहा हूँ जो जो मुझे लग रहा है जहाँ पे दोबारा माइक्रोन पेन से। एंड गाइस, लास्ट में ये हेयर्स के जो साइड में हेयर्स निकले हुए होते हैं ये ज़रूर ड्रॉ करें जिससे कि थोड़ा रियलिस्टिक लुक आ सके। सो गाइस, ये कुछ कंप्लीट स्केच। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।